अच्छा मोदी जी के चारों ओर कौन सा क्षेत्र? योगी जी के चारों ओर, ठीक है, मोदी जी के चारों ओर मोदी क्षेत्र, योगी जी के चारों ओर योगी क्षेत्र। वो चुंबक क्या है? ठीक है, मान लो ये चुंबक है, मैग्नेट है। तो अगर यहाँ लोहे की कोई कील लाते हो, इसके एरिया में जैसे पहुंचता है वैसे ही इसको अपनी तरफ खींच लेता है। क्या चुंबक से राक्षसी हाथ निकलते हैं जो उसको जाके खींच के लाते हैं? नहीं। और जो लोग कई दिनों से नहा नहीं रहे थे बारिश की वजह से, आज नहा लेंगे, धूप हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा शांत, ठीक है। हम लोगों ने पहले समझा कि परमाणु क्या होता है, फिर विद्युत आवेश क्या होता है, और विद्युत आवेश का क्वांटीकरण में हम लोग सवाल लगा रहे हैं। तो अभी का जो सवाल ये था कि किसी पदार्थ से, ठीक है, मान लेते हैं कोई पदार्थ है, इससे 6×10^19 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता, निकाल दिया। निकालने का सीधा सा अर्थ है किसी पदार्थ से 6×10^19 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, इस पर कितना तथा किस प्रकृत का आवेश उत्पन्न होगा। कितना का तो जवाब Q=mv से निकाल लेंगे, प्रकृत का तो जवाब इससे मिलेगा कि जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उस पर कैसा आवेश आता है, धनावेश, ठीक है, उस पर धनावेश आता है, ठीक है, तो इस पे आ गया धनावेश। अब हम लोग लगाएंगे Q=nv, नानी, Q=nv, ठीक है। अच्छा, क्यू यन का मान 6×10^19, ई का मान 1.6×10^-19, ठीक है। अब 16 का कितना होता है, 96, 9.6 +19 और -19 के 9 है 0, ठीक है। और किसी भी संख्या पे घात अगर 0 हो जाता है तो उसका मान 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 9.6×, तो धनावेश की ऋणावेश, धनावेश, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये एक प्रश्न था। अगला प्रश्न लिखिए, कह रहा है इस पर +64 कूलम आवेश उपस्थित है, ठीक है, इस पर +64 कूलम आवेश उपस्थित है, तो यह बताइए, यानी क्यों दिया है आपको। कह रहा है कि किसी पदार्थ पर 64 कूलम आवेश उपस्थित है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। पहली बात तो प्लस है तो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो अधिकता होगी, कमी होगी। अब यहां मान लो इस क्लास से कुछ बच्चे निकल जाए तो अधिकता होगी कि कमी होगी। तो इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गए 64 कूलम, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगी, कमी होगी, जाहिर सी बात है यहां से निकल गए। अब हमको ये बताना है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। तो उसके लिए वही फॉर्मूला, एक क्या फॉर्मूला बताया गया, Q=nE, ठीक है, Q=nE, क्यू की वैल्यू जो है वो 64 है, यह नहीं पता है, ई का मान तो सर्वव्यापी है कि 10^-19, 1.6×10^-19। अब एक काम करते हैं, इससे भाग दे देते हैं, ठीक है, यन बराबर, यहाँ एक गुणा में है तो उधर जाके क्या होगा भाग, बेसिक सी बात है, ठीक है, 64/1.6×10^-19 कितना, 19, ठीक है, और 10^-19 ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगा, ठीक है। तो यन बराबर 64/1.6×10 कितना हो गया, 19, नीचे है -19 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +19। अब 1.6 से इसमें भाग देंगे तो 40 बार में कटेगा, ठीक है, 16×4 क्या होता है, 64, 4 आएगा, ठीक है, लेकिन 0.1 अंक हटाएंगे तो 40 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 40×10^ कितना, 19, और 10 इस पे बढ़ गया तो 4×10^ कितना, 20, यह है आंसर। यानी कि 4×10^20 इलेक्ट्रॉन इससे निकले होंगे, ठीक है, तब जाकर के इस पे 64 कूलम आवेश डेवलप हुआ होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, देखिए जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जब तक उसको अप्लाई नहीं कर लेंगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। आप लोगों ने यह समझ लिया कि विद्युत चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि विद्युत आवेश समझना, किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, क्या कहलाता है, आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। समान प्रकार के आवेशों के बीच प्यार होता है, दुश्मनी, दुश्मनी मतलब प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, प्यार मतलब आकर्षण होता है। बात समझ में आया है ना, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आवेश का क्वांटीकरण पढ़ रहे हैं कि किसी आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ही सबसे छोटा आवेश माना जाता है, जबकि इससे छोटे आवेशों की खोज हो चुकी है जिनको क्वार्क्स बोला जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते, हम इलेक्ट्रॉन का ही आवेश सबसे छोटा मानते हैं, ठीक है। अच्छा,
तो यानी कि सभी चीजों का निर्माण, जितने भी आवेश बनेंगे सब आवेश से मिलकर के ही बनेंगे, ठीक है। दो आवेश, दस आवेश, बीस आवेश, बीस इलेक्ट्रॉन, चालीस इलेक्ट्रॉन, इन्हीं से मिलकर के बनना है, ठीक है। तो यह जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो चलिए सवाल लिखिए, एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हम, अभी क्या है, कह रहा है कि हमारे पास जो आवेश है कितना कूलम का है, एक कूलम, क्यू दे दिया एक कूलम, ठीक है। आइए बताइए क्यू बराबर क्या होता है, वन इंटू वन इजकल टू एन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन, ठीक है, नाइनटीन हो गया। अब यह यहाँ गुणे में तीन हजार क्या होगा, भार, एक बटे एक दशमलव छह गुणे दस भगा कितना उन्नीस, यह ऊपर चला गया माइनस उन्नीस, ऊपर जाके प्लस उन्नीस होना है, ठीक है, ये प्लस उन्नीस हो गया। अब एक दशमलव छह में एक से भाग दीजिए, ठीक है, सोलह छह का छियानवे, चार आएगा सोलह दो बत्तीस, आठ आएगा सोलह पच्चीस, दस पे घाते कितना आया उन्नीस, दस इससे इसमें भाग देंगे तो इतना कट के आएगा, और दशमलव इसमें एक अंक किधर जाएगा, तो छह दशमलव दो पांच गुणे दस पे घाते कितना आ जाएगा, हार है। कितने लोगों का आ गया आंसर, ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, कह रहा है कि क्यों बराबर इस पे कितने आवेश उपस्थित है, चार दशमलव आठ गुणा। अब आपको यह पूछा है तो क्यू बराबर एक ही फॉर्मूला क्या, नानी क्यू चार दशमलव आठ एन एक दशमलव छह गुणे दस बढ़ाते माइनस कितना उन्नीस, इससे भाग दे दीजिए, तो चार दशमलव आठ बटे एक दशमलव छह गुणे दस बढ़ाते माइनस कितना उन्नीस, इतना कितने लोगों का सही है, ईमानदारी से बताइए, पूरी क्लास का जब यहाँ तक सही है, इसके बाद अगर आप भाग नहीं दे पा रहे तो बताइए आठ तक आप क्या किए, आठ नौ तक दस बढ़ाते माइनस उन्नीस ऊपर गया प्लस उन्नीस, अच्छा दसवां यहाँ भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, सीधे सीधे सोलह थी, यहाँ तीन गुणे दस पे कितना उन्नीस, यानी इसमें भी इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई दिक्कत इसमें, कितने लोग का आया है, ठीक है, लगभग सभी लोग का है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है जान लेते हैं। देखो एक सीरीज सी चीज बताता हूं, अगर चुंबक के पास लोहे की वस्तु ले जाते हैं तो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर कोई चुंबक है इसके एक निश्चित एरिया के अंदर जाने पर ही वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो चुंबक जिस, देखो चुंबक क्या है, ठीक है, मान लो ये चुंबक है, मैग्नेट है, तो अगर यहाँ लोहे की कोई कील लाते हो, इसके एरिया में जैसे पहुंचता है वैसे ही इसको अपनी तरफ खींच लेता है, क्या चुंबक से राक्षसी हाथ निकलते हैं जो उसको जाके खींच के लाते हैं, नहीं, चुंबक के चारों ओर एक प्रभाव होता है जिसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, चुंबक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऐसे ही वैद्युत आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र, जैसे मोदी जी के चारों ओर कौन सा क्षेत्र, योगी जी के चारों ओर, ठीक है, मोदी जी के चारों ओर मोदी क्षेत्र, योगी जी के चारों ओर योगी क्षेत्र, उसी प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, अब वैद्युत आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो कहा जाता है, डिफिनेशन ये दिया जाता है वैद्युत क्षेत्र का, कि मान लो यहाँ कोई आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसके वैद्युत प्रभाव का क्या करता है, अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे आप लोग अभी किसके क्षेत्र में है, अभय क्षेत्र, ठीक है, अभी आप लोग हमारे पास है तो अभय क्षेत्र में उपस्थित है, ठीक है, ऐसे मोदी जी के पास जाएंगे तो मोदी क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, तो फिलहाल तो मोदी जी सब जगह है विराजमान है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, अब वैद्युत आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अभी जो हमारी अगली हेडिंग है वह है विद्युत धारा, ठीक है,
क्लास टेंथ में वैद्युत क्षेत्र का एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं दिया है, ठीक है। फिलहाल मैंने ऐसे जानकारी के लिए बता दिया कि विद्युत वैद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैसे वैद्युत आवेश के चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। जब कोई अन्य आवेश उसके में पहुंचता है तो उसका प्रभाव उसको महसूस होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जैसे हमारी अगली एडी है विद्युत धारा, क्या है आइए समझ लेते हैं विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, भौगोलिक भाषा में इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ठीक है। और जो लोग कई दिनों से नहा नहीं रहे थे बारिश की वजह से, आज नहा लेंगे, धूप हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा शांत, ठीक है, सुनिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा किसे कहते थे, समझिए। मान लेते हमारे पास एक चालक तार है, बातें बंद करिए सभी लोग, हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है, हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है, और इस चालक तार से क्यू आवेश, कितना आवेश, ठीक है, किसी चालक तार से क्यू आवेश 30 सेकंड में, ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें जो प्रवाहित धारा का मान होगा वह I बराबर Q बाई क्या होगा, T, ठीक है। और इसका मात्रक कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर होगा, या क्या होगा, एम्पियर। आज से याद रखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी चालक तार से आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। किसी चालक तार से आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, और यह अदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पीयर। अच्छा, विद्युत धारा अदिश राशि नहीं है, नहीं सदिश राशि है, ये तीसरे टाइप की राशि होती है जिसको प्रदिश बोलते हैं, टेंसर बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है, प्रदिश, टेंसर। तो कैंसर नहीं भाई, टेंसर, हाँ, ठीक है। आई इक्वल टू क्यू आई टी, ठीक है। किसी चालक तार से आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये अदिश राशि तथा इसके एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। अच्छा, मैंने कहा ये अदिश राशि नहीं है, प्रदिश राशि है, फिर भी अदिश की तरह। दिक्कत ये है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन, ठीक है, लेकिन यह अदिश के नियमों का पालन करता है, न कि सदिश के नियमों का पालन करता है, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। विद्युत धारा, ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों लेकर के घूमता है, लेकिन ये अदिश के नियमों का पालन करता है, इसीलिए उसको उसी के समाज का माना जाता है। अच्छा, क्यू बराबर जो है, क्यू बराबर एनी, ठीक है, क्यू बराबर एनी यहां रख देंगे तो नया फॉर्मूला निकल के आएगा, आई इज इक्वल टू एनी बाई टी, आई इक्वल टू एनी बाई क्या, टी। यहां पर कौन सी चीज क्या है, जान लीजिए, आई है विद्युत धारा, आई क्या है, विद्युत धारा, ठीक है। क्यू जो है आवेश है, क्यू क्या है, आवेश, टी जो है वो क्या है, समय, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, किसी चालक तार में, ठीक है, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। चलिए लिखिए, बोल रहा हूँ, सवाल है, किसी चालक तार से 4 सेकंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो विद्युत धारा की गणना कीजिए। ये बताओ, क्यू बराबर 20 कूलम दिया है, समय 4 सेकंड, अच्छा, आई I इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, टी। क्यू की वैल्यू 20, 4 5 है, I बराबर 5 एम्पियर। कोई दिक्कत इसमें, बातें समझ में आ गई, कितने लोग का 5 एम्पियर आ गया था, ठीक है, लगभग सप्ताह आ गया है। अगला प्रश्न लिखिए, किसी चालक तार से 2 सेकंड में 6.4 × 10^10 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, 6.4 × 10^10 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, तो तार में प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। 5.12 एम्पियर, चलिए आए देखते हैं। कह रहा है कि 2 सेकंड में, कितने सेकंड में, शांत हो जाइए सभी लोग, ध्यान दीजिए। कह रहा है
सवाल जो बोला वो बोला है कि 2 सेकंड में 6.4 × 10^19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा की गणना कीजिए। अभी बताइए क्यों नहीं दिया है, अब आपको एन दिया है, क्या दिया है? तो अगला वाला फॉर्मूला आई इक्वल टू एनी वाई क्या होता है? टी। ठीक है, आई इक्वल टू एनी वाई क्या? टी। ठीक है, अब एन का मान जान लीजिए, 6.4 × 10^19 कितना? 19। ठीक है, उन्नीस बटे यही ना। अच्छा ध्यान दीजिए, ई का मान तो आपको पहले से पता होता है, प्लस 19 − 19 निपट गए, 10^0 आएगा, उसका मान कितना हो जाएगा? अब 6.4 × 1.6/2। ठीक है, इससे इसमें भाग दीजिए, 0.0 कितना हुआ? 8। अब 6.4 × 0.0 कितना? 8। और आई का मान 8 × 32 = 2, 8 × 6 = 48, 48 × 3 कितना? 51, 5.12 है। ठीक है, पहले तो घर वालों को 2-4 चप्पल रोज गिरा के भेजना चाहिए, जब तक 2-3 चप्पल रोज गिरा। आजकल घर वाले मोबाइल सबसे पहले, 10 में पहुंचा लड़का, 9-8 में पहुंचा बड़का मोबाइल थमा दे रहे हैं, जब तक वो व्हाट्सएप फेसबुक पे चैट हो रहा, 4 बार रील नहीं बनाएंगे, नाचनिया करें नाच नहीं देंगे, और नाचनिया बुला दो तो रिसिया भी जाएंगे सब लोग। ठीक है, उनको एक्टर बोलना पड़ता है, ठीक है, डांसर बोलना पड़ता है, नहीं तो नाचनिया बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। 4 बार दिन, अरे यार जब तुमको वही करना तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, क्या फायदा, पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपने माँ बाप का समय बर्बाद कर रहे हो, उसी में देखो कुछ। ठीक है, नहीं सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि हमारे वहां ज्यादातर, मैं विश्वास मानिए, ठीक है, आजकल ब्लॉगिंग करना सबसे आसान हो गया, अपनी दिनचर्या दिखाओ। ठीक है, दिन भर ब्लॉग बना रहे हैं लोग, हर जगह कैमरा लेके घुसे पड़े हैं। ठीक है, इतनी आइए पढ़ लेते हैं, पढ़ लिख लो। ठीक है, जीवन में जिस दिन तुमको लोग देखना यूट्यूब पे बंद कर देंगे, उस दिन तुम्हारा कोई महत्व रहेगा नहीं। ठीक है, सीधी बात, क्यों बंद कर देंगे? रोज आप कितना नौटंकी कर देंगे भाई? आप विश्वास मानिए, कल मैंने एक ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते ना, ब्लॉग ब्लॉग आता रहता, कभी देखे रहे तो आ जाता, तो उस पे लिखा था कि आज हम लोग, अब थंबनेल बढ़िया लगा था, बाइक था, बाइक पे उसकी वाइफ बैठी थी, वो व्यक्ति था, ठीक है, उस पे बोरा हो रहा कि हमारे घर वालों ने हम लोगों को घर से निकाल दिया और क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब आदमी जो इतना पढ़ा लिखा नहीं हो, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये समझेगा वो, तो उसको हटा कर सारे वर्ड पढ़ लेगा, क्या सचमुच घर से निकाल दिया गया है? अब आदमी क्लिक करेगा, पूरा वीडियो देखा है, कुछ नहीं, घर से वो कहीं जा रहा था इसलिए बोरा वोरा लाद के चल दिया, और राही भर बारिश हो रही है, अरे सबको पता चल रहा है बारिश हो रही है, तुम बताओगे तभी बारिश का पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, हम कोई ब्लॉग, कोई व्यक्ति ब्लॉग का, वो खलीलाबाद से कहीं गोरखपुर साइड में आ रहा था, ठीक है, तो बारिश बहुत तेज बारिश हो रही है, देखिए हम आपके लिए बारिश में वीडियो बना रहे हैं, मत बनाओ भाई, हमको नहीं वो देखना है, हमको कुछ बेहतर चीज बताओ जो जिससे कुछ सीखने को मिले। अब आके गलती एकदम सही है आपकी, प्रॉब्लम ये है कि आप इतने, आपका मनोदशा इतनी कमजोर है, ठीक है, कि आप उसी में चले जा रहे हैं। आज ये बताओ, मान लो तुम्हारी रात में तबीयत बहुत खराब हो गई, तो पहले हम कैमरा उठा के तुम्हारा वीडियो बनाएंगे कि क्यों, देखिए तबीयत खराब हो गई है, घर वाले, तुम्हारी तबीयत खराब हुई है तो घर वाले पहले वीडियो बनाएंगे तब तुमको हॉस्पिटल ले जाए, पहले हॉस्पिटल ले जाना चले। मैंने ऐसे ऐसे था, क्यों रात के 12 बजे ले जाना पड़ा इनको हॉस्पिटल, और पूरा एम्बुलेंस का फोटो वोटो खींच के थंबनेल बनाएगा, इसका क्या मतलब है यार? तुम इतने लापरवाह किस्म के व्यक्ति हो, इतने जाहिल हो कि तुम्हारी पत्नी बीमार है, तुम बैठ के ब्लॉगिंग कर रहे हो, है? और सबसे बड़ी चीज है ना कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको माँ बाप कुछ पूछते नहीं है, माँ बाप को सिर्फ किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को संभालने की। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल की भी जिम्मेदारी होती है, कोचिंग जा रहा है तो कोचिंग की जिम्मेदारी होती है, और माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि उसके अंदर किस तरीके का संस्कार डाले। अब या तो 2 घंटा में हम लोग संस्कार दे दे बच्चों को, या तो हम लोग उनको शिक्षित कर दे। अब रोज संस्कार देंगे अगर बच्चों को, हम रोज हम लोग सिर्फ संस्कार देते चले जाएंगे तो कहेंगे घर वाले कि आप पढ़ा क्या रहे हैं,
आप पढ़ा रहे हैं तो घर वाले कह रहे हैं कि बताइए हमारा बच्चा मोबाइल चला रहा है दिन भर बैठ के, आप उसको मारिए, तो दिया कौन है मोबाइल? रिचार्ज कौन करा रहा है? आप करा रहे हैं? हम नहीं करा रहे भाई, हम जो रिचार्ज कराएंगे मोबाइल, आप कर रहे हो, आपके माता पिता कर रहे हैं, आपके गार्जियन है जो इस चीज की इस क्लास में, आप सबसे बड़ी बात तो यही है कि माँ बाप भी आजकल के जो माता पिता हैं वो इतने व्यस्त हैं अपने आप में, इतना मोबाइल में व्यस्त हो गए हैं कि अपने बच्चे को समय ही नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे को मोबाइल दे दे रहे हैं। लो बेटा अब तुम रोना मत बाबू, माता पिता को उम्मीद है कि हमारा बच्चा स्कूल कोचिंग जाएगा सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। बड़े बड़े स्कूल खुल गए हैं, बड़े बड़े स्कूलों में माता पिता एकदम गर्व से भेज रहे हैं 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फीस है बच्चों की, वहां भेज रहे हैं और बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है, बस आ रहा है इंग्लिश में 2 वर्ड बोल दे रहा है, माता पिता एकदम खुश है, बस ये जीवन। आप